किसी भी चीज को याद करना, उसे लंबे समय तक अपने पास रिटेन कर और उसका सही समय पर इस्तेमाल करना, यही हमारा लक्ष्य होता है जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। सभी लोगों के साथ ये होता है कि सर हमारा एग्जाम आ रहा है और हम सारी चीजें भूल रहे हैं, या फिर हम बहुत प्रयास करते हैं, हमें चीजें याद ही नहीं होती। तो इसका क्या कारण है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि आप बड़े से बड़े लॉन्ग आंसर्स याद करें, सही समय पर उनको अपने एग्जाम में लिख पाए। देखिए दोस्तों, याद करना हम सभी कहीं ना कहीं एक तरह का बोझ समझते हैं, बर्डन समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे हमें करना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी नई चीज को सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर एक बहुत छोटा सा वर्ड और एक बहुत छोटी सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वह है क्यूरियोसिटी। आपको किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता, किसी भी चीज को जानने की आपकी जिज्ञासा, यही डिसाइड करती है कि उस काम को आप कितना अच्छा करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम सभी बचपन में जब भी आसमान को देखते थे, ऊपर देखते थे, तो हम अपने माता पिता से, दादा दादी से बहुत सारे प्रश्न पूछते थे कि ये चीज क्या है, क्यों ये चीजें चमक रही हैं, यहाँ से चांद की दूरी कितनी होगी, सूर्य की दूरी कितनी होगी। और ये ऐसे सवाल हैं जो हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से हमेशा पूछता था। उसको ये जानने की इच्छा थी कि ये आखिर इस चीज में क्या है, स्काई में क्या है, कौन कौन सी चीजें क्या है। ये बहुत सारे सवाल हम अपने टीचर से पूछते थे और मशीनों को देख करके भी हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते थे। तो दोस्तों, ये हमारी क्वालिटी थी क्यूरियोसिटी। यही कारण होता है कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को ही मार देते हैं, इसीलिए हम नई चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते, हम नई चीजों को सीखना ही नहीं चाहते हैं। यही कारण होता है कि हम किसी भी चीज को याद नहीं कर पाते। जब बात आती है लॉन्ग आंसर की, तो हमारा माइंड पहले ही हमें कह देता है, हम प्री डिटरमाइंड हो जाते हैं कि ये चीज बहुत टफ है और हमसे याद नहीं होगी, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप जिस आंसर को पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप उसको ये सोचें कि आज मुझे कुछ नया पता चलने जा रहा है और मैं इसको बिल्कुल उसी तरह से याद करूंगा जिस तरह से मैं अपने इन सवालों को पूछता था, इन सवालों में जिस तरह से मुझे इंटरेस्ट था, तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जब भी आप किसी नई चीज को पढ़ रहे हैं। अगली बात का ध्यान रखें, देखिए लर्न करने के लिए सबसे मैंडेटरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट है लेकर के, अगर आपको पता है कि आपको राइट टाइम पे कौन सा काम करना है, अगर आप इस चीज को लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो किसी भी काम को आप बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। याद रखें, जब भी आप लर्न करने बैठते हैं तो एक बार में आप एक ही काम करने का प्रयास करें, अदर कोई भी वर्क पे आप ध्यान ना दें। जब आप लर्न करने बैठते हैं तो अपने सेलफोन को अलग जगह रखें, साथ ही साथ और कोई काम में आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैं अपने स्टडी टेबल पर हूँ और मेरा काम ये है कि आज मुझे जो आंसर्स मिले हैं, जो मुझे लर्न करने के लिए कहा गया है, मैं इनको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से लर्न करूंगा। तीसरी बात का ध्यान रखें, आप टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखें। जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पर आप ये प्रयास करें कि थोड़ा इन्वायरमेंट पीसफुल हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, क्योंकि जब चीज़ें हम लर्न करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे होते हैं उसमें अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम कभी भी चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं दोस्तों आपसे एक लाइन कहना चाहूंगा, एक प्रोवर्ब है, आपसे कहा जाता है, विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट सक्सीड, कि विद योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट फेल, बिना अपने इन्वॉल्वमेंट के आप कभी सफल नहीं हो सकते, और अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलने वाली है। अगली बात ध्यान रखें, जब आप लर्न करते हैं तो कोशिश ये करें कि एक बार में बहुत ज्यादा टेक्स्ट याद ना करें। आप अगर मान लीजिए कि आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपके पास 1 वीक है, तो आप कोशिश करें कि मैं हर 1.5 दिन में, 2 दिन में एक एक चैप्टर को मैं तैयार करूं। ऐसा ना हो कि आप एक साथ 4-4 चैप्टर को लेकर बैठ जा रहे हैं तो आप चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। अगली बात आती है, देखिए लॉन्ग आंसर्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करें। तो देखिए सबसे बड़ी बात, लॉन्ग आंसर्स के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए। आप ये सोचिए कि ये मैं कर सकता हूं, मुझे ये चीजें याद हो सकती है। और लॉन्ग आंसर्स में ट्रिक लगाना होता है आपको। आप कभी भी देखोगे लॉन्ग आंसर में एक कीवर्ड होता है, जिस कीवर्ड के अराउंड कहीं ना कहीं आंसर सराउंड करता है। अगर आप क्वेश्चन की अच्छी समझ रखते हैं तो लॉन्ग आंसर में आप खुद से क्रिएटिव होकर के, खुद से क्रिएट करके भी आप आंसर को राइट कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। सबसे पहले जब आप लॉन्ग आंसर को याद करते हैं, मान लीजिए कि आपका आंसर 20-30 लाइंस का है, तो आप पहले इनको डिवाइड करिए। आप इनको 4-5
पार्ट्स में डिवाइड करिए, 6-6 लाइन में आप इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब वो 6-6 लाइन को एक बार में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए और देखिए कि उन 6-6 लाइन में आपसे कहा क्या जा रहा है, कौन सी बातें हैं जो आपको ज्यादा फोकस करनी है, जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप इस तरह से करते हैं, पार्ट बाई पार्ट में आप चीजों को याद करते हैं, साथ ही साथ जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप लर्न कर रहे हैं, उसको हमेशा पेन एंड पेपर में जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, लिखने से बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। एक चीज ये होती है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है। आप जब लिखते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड होता है, ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि वो आपसे बार बार सवाल पूछेगा। आप जब लिखोगे तो आपके मन में वो चीजें रिवाइज होती रहेंगी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लर्न करके छोड़ देते हैं। देखिए, लर्न करके लिखने के लिए आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको सभी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप कुछ ना कुछ, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख देते हो, कभी कभी कॉपी से अच्छा आंसर आप खुद से क्रिएट करके लिख देते हो। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप आंसर्स को लिखने का प्रयास करें। जब आप बड़े आंसर्स को रिवाइज करते हैं तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप आंसर को जरूर लिखें। उससे होता क्या है कि आपको पूरे आंसर की थीम, पूरे आंसर का मेन एम आपको समझ में आता है। जैसे मान लीजिए आपको बैटल ऑफ बक्सर में याद करना है, तो बैटल ऑफ बक्सर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ी इसकी कहानी है। आपको आंसर जो लिखवाया गया होगा उसको आप समझिए कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या क्या चीजें हुई। रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो इसमें कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और जब भी लॉन्ग आंसर को लिखें तो पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। आप कोशिश ये करें कि आप जब से रिवाइज कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के बेसिस पे आप तैयारी शुरू कर दें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप लॉन्ग आंसर्स को बहुत आसानी के साथ याद करेंगे। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर, हम एक बार याद कर लेंगे तो क्या बार बार याद रहेगा? नहीं, देखिए, रिवीजन, रिवाइज एंड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा लिख करके, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो निश्चित ही आपको आपका आंसर याद होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स को लेकर के चाहे मैं हूँ, आप हो, हमारे मन में बहुत डाउट होते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जिनको आप फॉलो करके लॉन्ग आंसर्स को लर्न कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए जरूर लाइक करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।